चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना लगातार जारी है। बादराबाद थाने में हरीश रावत का धरना जारी है। योग मुद्रा में नजर आए हैं पूर्व सीएम रावत। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर जो है धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार जारी है हरीश रावत का धरना। बादराबाद थाने में हरीश रावत धरना दे रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे निरस्त करने की मांग उनकी तरफ से की गई है। पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसको लेकर पूर्व सीएम रावत लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है और लगातार जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा निरस्त करने की मांग उनकी लगातार की जा रही है। उनकी तरफ से पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसको लेकर अब नाराजगी भी है और इसको लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। और धरने के दौरान मांग यहां पर की जा रही है मुकदमा निरस्त करने की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना लगातार जारी है। बादराबाद थाने में हरीश रावत का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, तभी से लगातार उनकी मांग रही है। मुकदमों को निरस्त करने की मांग को लेकर ही धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत बादराबाद थाने में हरीश रावत धरना दे रहे हैं और लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे दर्ज हैं उनको निरस्त करने की मांग यहां पर उनकी तरफ से की जा रही है। योग मुद्रा में नजर आए हैं पूर्व सीएम रावत। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, कितने दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं पूर्व सीएम हरीश रावत और अब उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? नरेश, जिस प्रकार से पूर्व सीएम लगातार धरने पर बैठे हुए, कितने दिनों से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है और क्या कुछ मांग उनकी तरफ से रखी गई है? तो नरेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से जो है पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना प्रदर्शन। बादराबाद थाने के आगे की ये तस्वीरें हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो उनका धरना प्रदर्शन जारी है। मांग लेकिन यही है कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उसको वापस लिया जाए। चलिए एक बार फिर नरेश का रुख कर लेते हैं। नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना प्रदर्शन लगातार जारी, कितने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांग उनकी तरफ से रखी जा रही है और क्या इस धरने का असर दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से देखिए, पूनम आपको बता दें कि हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं और जो है उनकी बेटी अनुभा विधायक है। 3 दिन पहले उनके द्वारा जो है धरना प्रदर्शन हरिद्वार के बादराबाद थाने में शुरू किया गया, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर हरिद्वार पहुंचे, जहाँ खुले आसमान नीचे रात भी गुजारी। इसके साथ ही नेता सचिव यशपाल आर्य भी बादराबाद थाने पहुंचे। उसके बाद साफ तौर पर यही कहना था, जिस तरह प्रदेश के अंदर भाजपा ने दमन किया है, जनता का दमन किया है, उसको लेकर वो कभी माफी करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा लगातार कांग्रेसी नेताओं के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, साथ ही 360 मुकदमे लगातार दर्ज किए जा रहे हैं, जिसको लेकर हरिद्वार के बादराबाद थाने में लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ की ग्रामीण की जो विधायक है अनुपमा रावत द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसके साथ ही उनका उन्होंने साफ तौर पर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार जैसे संगीन मामले लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा सरकार ने सारे अपराधी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और जब तक इस तरह से भाजपा सरकार चलती रही हमारा नियंत्रण यहाँ पर चलता रहेगा। जी बिल्कुल नरेश, जिस प्रकार से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, आप जिस प्रकार से अपनी मांग पर अड़े हुए हैं पूर्व सीएम हरीश रावत, क्या लगता है मांग मानी जाएगी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे दर्ज है उनको वापस लिया जाएगा? पीछे से देखेंगे, धरना प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है, कांग्रेस के
कई दिग्गज यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कई कांग्रेसी लगातार धरने प्रदर्शन से जुड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस द्वारा देखा जाए तो हरिद्वार में ये एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके साथ ही जिस तरह से यशपाल यादव पहुंचे, उदयाल यहाँ पर पहुंचे धरना प्रदर्शन पर, आज लगातार दिवाली के मौके पर भी जो है कांग्रेस द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी संख्या में जो आज कांग्रेस की कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। इसको देखा जाए तो धरना प्रदर्शन में जब तक कांग्रेस को न्याय नहीं मिला, जब तक वो लगातार यहाँ पर जमे रहेंगे। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए हरीश। तो बिल्कुल पूर्व सीएम हरीश रावत लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग यही है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उसको निरस्त किया जाए। देखने वाली बात होगी कि हरीश रावत का धरना प्रदर्शन का क्या कुछ असर देखने को मिलता है, क्या जल्द ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे दर्ज है उनको वापस लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।